दीवानी हांडी बनाने के लिए मैंने गाजर, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, मटर और 10 क्यूब्स पनीर के लिए हैं। मेरे पास बीन्स नहीं थे, आपके पास हैं तो आप जरूर डालें। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है और 10 से 12 काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया था। एक मिक्सर के जार में हमें प्याज डाल देनी है और काजू डाल देने हैं। फिर इसमें हम 1 चम्मच दही डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें अपनी सब्जियां फ्राई करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे, उसमें हम 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा बटर। हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का, इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि हमारे मसाले जले ना। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और साथ में नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। इसमें हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। हमारे मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें काजू का और ब्राउन प्याज जो थी उसका पेस्ट डाल देंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये वेजिस पे दिखा, अब हम इसमें अपनी सब्जी ही डाल देंगे और जो पनीर के क्यूब्स है वो भी डाल देंगे। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और 2 चम्मच क्रीम डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हा ऑफ कर देंगे। हमारी दीवानी हांडी बनकर तैयार है। हमारी दीवानी हांडी बनकर तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।